कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती पांचवें दिन भी जारी है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई है। कथित तौर पर गिनती मशीनों की तुरंत मरम्मत के लिए कुछ मैकेनिक बैंक में मौजूद रहे, वही दूसरी ओर इस पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजनाएं फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कही रही हो कि इसके बाद कालाधन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती पांचवें दिन भी जारी है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई है। कथित तौर पर गिनती मशीनों की तुरंत मरम्मत के लिए कुछ मैकेनिक बैंक में मौजूद रहे, वही दूसरी ओर इस पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजनाएं फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कही रही हो कि इसके बाद कालाधन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है।